आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर कुछ बड़ी खबरें आप देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीमें इसलिए तैनात की गई दोस्तों कि कई राज्यों में भारी बारिश के चलते मतलब बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं ना, तो वहां पर लोगों को रेस्क्यू वगैरह करने के लिए एनडीआरएफ को तैनात किया गया। अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के मुताबिक दिल्ली उत्तर प्रदेश में जल्द ही झमाझम बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बादल झमकर बरसेंगे। आपके राज्य का मौसम का हाल आज का क्या रहने वाला है ये तो मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा ही। इससे पहले कुछ देश की मौसम हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालिए। देखिए बाढ़ से हालात क्या चल रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के विदिशा में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वही देखिए दोस्तों महाराष्ट्र में बाढ़ के कहर के चलते महाड़ में तीन जगहों पर भूस्खलन होने के चलते 36 लोगों की मौत हो गई। 35 की तलाश अभी भी जारी है। आफत की बारिश बरस रही है महाराष्ट्र में। रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में बाढ़ से हाहाकार बचा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बाकी जिलों का ताजा हाल क्या है वो भी अपन जानेंगे। बाकी देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की और मदद का पूरा भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में बाढ़ से हाहाकार बचा हुआ है और इसके चलते कई सारी ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हो चुकी है। वही देखिए दोस्तों महाराष्ट्र में 6 से ज्यादा जिलों में बारिश गंभीर रूप से चल रही है और इसके चलते यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भी 15 फीट पानी भर गया। 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे जो अपने ही घरों में फंसे हुए हैं क्योंकि बाहर सड़कों पर तो निकल ही नहीं सकते। 15-15 फीट सड़कों पर पानी भरा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या चल रहे होंगे। इससे रेल व सड़क यातायात भी बाधित हो चुके हैं, तो ये कुछ माहौल चल रहा है महाराष्ट्र राज्य में। इसके अलावा देखिए आप हिमाचल प्रदेश में 6 दिन भी झमाझम बारिश हुई। NH 305 जो है वो 5 घंटे तक बंद रहा और राज्य में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। सिर्फ हिमाचल में ही नहीं दोस्तों, अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के मुताबिक किन किन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है, तो आपको बता दूं मानसून अब देश के अलग अलग हिस्सों में झमकर बरस रहा है। और ऐसे में देखिए दिल्ली समेत उत्तरी इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी आई है। अगले सप्ताह में उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से उत्तरी भारत में अगले 2 दिनों तक यानी कि आज कल और परसों अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 24 जुलाई तक गुजरात कोकण गोवा राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा मध्य महाराष्ट्र तेलंगाना इन राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, तो इन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना है दोस्तों। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके राज्य के मौसम समाचार और हेडलाइंस न्यूज अलर्ट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।